फोर को डिस्कस करते हैं, इसको जिस प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है वो बॉन्डेड बिलो है। तो बॉन्डेड बिलो की कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन होती है, इसमें क्या है कि कोई ये कोई भी रियल नंबर है, ये एस के तमाम एलिमेंट है। तो मेरे पास ये देखें, जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिससे स्मॉल डी लेस देन इक्वल है और स्मॉल डी बिलोंग करेगा कैपिटल डी को। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास डी एक सेट है, इसके तमाम एलिमेंट जीरो से इक्वल हैं या ग्रेटर है। तो ये कंडीशन भी हमें यही डिस्क्राइब कर रही है ना। तो ये जीरो भी है, इसका बॉन्डेड बिलो माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, इसी तरह सो ऑन। इनके दरमियान जो रियल नंबर है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट, ओके है ना, इधर देयर एग्जिस्ट है। तो इधर से हम क्या इसके जो हमें ये तो पता चल गया ये बॉन्डेड बिलो है। जब बॉन्डेड बिलो है, नोड टू में क्या हमने डिस्कस करना था, लोअर बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं बॉन्डेड बिलो है कि नहीं। जब बॉन्डेड बिलो होता है फिर उसके हम किसको डिस्कस करते हैं, उसके लोअर बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। तो इसके लोअर बॉन्ड क्या होंगे, जीरो इंक्लूड होगा कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। ये इसके क्या है, डी के लोअर बॉन्ड है। तो सिमिलरली ई के ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता रियल नंबर में, तो इसलिए हमें कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे ये तमाम एलिमेंट ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, जिस तरह इसका अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर एफ पे आते हैं, इसके लोअर बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक ऐसा जीरो है ना जिससे ये तमाम एलिमेंट बड़े हैं, ये वाली कंडीशन, सॉरी ये एफ है, स्मॉल एफ बिलोंग करेगा कैपिटल एफ को। ये देखें, ये जो लेस देन इक्वल वाली थी कंडीशन, ये देखें इधर जीरो इंक्लूड नहीं है, इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये लेस देन आता है, और इधर इंक्लूड था, इधर इक्वल आया था। तो ये दोनों कंडीशन लेस देन इक्वल भी आप लोगों को समझ आ गई है। तो इधर से हम ये बता सकते हैं कि ये जो लोअर बाउंड होता है ये सेट का एलिमेंट हो सकता है और नहीं हो सकता। काइंडली इन बातों को ध्यान में रखें, अपर सुप्रीमम और इन्फिमम को जब हम डिस्कस करेंगे तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड को ही यूज करेंगे हम। तो इसके जो लोअर बाउंड है क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंक्लूड तक। ये देखें इसके क्या है, लोअर बाउंड ये हो गए। इससे हमें ये पता चला अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं, और लोअर बाउंड भी इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल नंबर जी पे आते हैं। ग्राफिकली हम देखते हैं कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होते हैं। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का मेरे ख्याल में सबको पता चल गया होगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होते हैं। तो हम ग्राफिकली रियल लाइन के ऊपर चेक करते हैं। हम रियल लाइन पे एक सेट लेते हैं कैपिटल एस, तो हम इसके लोअर बाउंड अपर बाउंड देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिस्कस करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का पता होना चाहिए। बाउंडेड अबव के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन का होना लाजमी है, और लोअर के लिए हमारे पास ये कंडीशन का। तो ये देखें इस लाइन के ऊपर रह के आप बात करें, इस लाइन से ये वाली लाइन से, तो ये एस के तमाम एलिमेंट लेस देन इक्वल है ना। तो अगर आप इस पॉइंट पे बात करते हैं, इससे लेस देन है, इस पे क्या था, लेस देन इक्वल था, इस पे क्या है, लेस देन है। सिमिलरली इसी तरह ये लेस देन है, कोई भी रियल नंबर आप लें इधर से। तो ये अगर मैं ये पिक करता हूं तो ये एस के तमाम एलिमेंट इससे लेस देन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये बाउंडेड अबव है। तो जब ये बाउंडेड अबव है तो फिर हमने इसके क्या करने, अपर बाउंड देखने हैं। तो अपर बाउंड क्या होंगे, इधर से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसके क्या होंगे,
अपर बाउंड होंगे। सिमिलरली इसी तरह ही हमने इधर देखना है इसके बाउंडेड बिलो को चेक करते हैं। ये देखें सेट के इस एलिमेंट से ये तमाम एलिमेंट ग्रेटर हैं और इक्वल हैं, ओके है ना। अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूँ इससे तमाम एलिमेंट ग्रेटर हैं, सिमिलरली ये तमाम एलिमेंट प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। तो जब हमने इसे चेक कर लिया ये इस बाउंडेड बिलो है, जब बाउंडेड बिलो है तो हम इसके अब लोअर बाउंड की बात करेंगे। तो इधर से लेके ये इसके क्या सारे लोअर बाउंड है, ओके है ना। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है अपर एंड लोअर बाउंड को, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे किस में, सुप्रीमम और इन्फिमम में। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ सुप्रीमम को। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम जो हमारे पास होता है ये होता है लीस्ट अपर बाउंड। हमने अपर बाउंड को देखा है, अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो भी हमारे पास अपर बाउंड होंगे, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल में ये अपर बाउंड डिस्कस किया था, हमारे पास ए सेट का जो अपर बाउंड आया था ना, ए सेट का जो अपर बाउंड आया था वो हमारे पास क्या आया था, वन से लेके प्लस इन्फिनिटी था, ये अपर बाउंड हमारे पास आए थे। तो सुप्रीमम क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, इनमें से सबसे छोटा जो अपर बाउंड है ना वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम। तो इधर हम ये देख सकते हैं वन हमारे पास सबसे छोटा अपर बाउंड है, किसका, ए का। तो हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू है वन के, सिंपल। तो इसी तरह ही हम सुप्रीमम और इन्फिमम के लिए मैं कुछ टर्म को हाईलाइट करता हूँ। वो टर्म क्या है, किसी भी सेट के सुप्रीमम को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेट बाउंडेड अबव है कि नहीं। जब बाउंडेड अबव होगा तो फिर उसके अपर बाउंड को हमने देखना है। तो उन अपर बाउंड में से जब सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो सुप्रीमम होगा उस सेट का। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट के अपर बाउंड की जब बात करनी है तो वो बाउंडेड अबव होना चाहिए, लाजमी बात है। तो इसी तरह ही सिमिलरली ये जो इन्फिमम है इसको डिस्कस करने के लिए उस सेट का बाउंडेड बिलो होना लाजमी है। तो ये कंडीशन थी। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं ये जो एग्जांपल लिखी थी, बाउंडेड अबव जिनके फाइंड किए थे, तो बाउंडेड बिलो फाइंड मसलन चेक किए थे, तो इसमें मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड किए थे। इन्हीं एग्जांपल के मैं क्या फाइंड करता हूँ, सुप्रीमम और इन्फिमम। तो इन्हीं एग्जांपल को ना मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें इसका अपर बाउंड क्या है, वन है। तो ये वन से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, वन है। तो इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ ए क्या हो गया, वन हो गया। सिमिलरली ये देखें ये सेट क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसका मतलब है इसका सुप्रीमम नहीं एग्जिस्ट करता, ओके हो गया ना, इसका सुप्रीमम नहीं एग्जिस्ट करता। सिमिलरली ये देखें इस सेट का जो हमारे पास अपर बाउंड थे वन से लेके प्लस इन्फिनिटी तक थे, तो इसका सुप्रीमम हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया, ओके है ना। फोर एग्जांपल से हमने किसको यूज़ किया था, बाउंडेड बिलो और लोअर बाउंड को डिस्कस किया था। तो मैंने लोअर बाउंड लिखे हुए हैं, तो लोअर बाउंड को यूज़ करते हुए हम इन्हीं सेट के इन्फिमम की बात करते हैं। तो डी सेट का जो इन्फिमम है वो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, जीरो है। सिमिलरली ये देखें इस सेट का लोअर बाउंड सबसे बड़ा क्या है, जीरो है एफ का। इस एग्जांपल के ऊपर आते हैं, ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है। तो जब ये बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसका जो ई है इसका इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिमिलरली ये जो जी सेट है तो इसके सुप्रीमम और इन्फिमम की को बात करते हैं, के ऊपर बात करते हैं।
वो क्या है, ये देखें इसका ये सबसे छोटा लोअर बाउंड है, तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या आ जाए, ये जो हमारी लाइन है ये सबसे छोटी लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सुप्रीमम ऑफ कैपिटल एस आ गया। सिमिलरली इसी तरह ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है इसका, तो ये इसका इन्फीमम आ गया। ये देखें ये वाला जो एलिमेंट है ये सबसे छोटा अपर बाउंड है हमारे पास, तो इस लाइन को हम क्या कह देंगे, ये सुप्रीमम ऑफ एस है, इस लाइन को कह रहे हैं, इस लाइन को। सिमिलरली ये देखें ये लाइन है, ये इस सेट का सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो इसलिए ये लाइन हमारे पास क्या होगी, इस सेट का इन्फीमम हो गया। ओके है ना। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है। अभी हम इस सेट का क्या फाइंड करेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम। तो इस सेट को ये देखें, ये सेट क्या है, 1 माइनस 1 की पावर n ओवर n, सच डैट n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ये जो n है ना, ये तमाम n किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से शुरू कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। इसी तरह ही मैंने इधर 1 रखा तो 2 मेरे पास आ गया, जब मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो मेरे पास 0.5 आ गया, जब मैंने 3 रखी 1.34 आ गया। सिमिलरली ये मैंने सारी ये जो हमारे पास ये सीक्वेंस दिया था n टर्म में, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। मैंने एक्सपेंड किसी लिए किया कि मैं इधर से ये देख सकूं कि ये अपर बाउंड इसका है, अगर है तो कौन सा सबसे, वो तो हमने डिस्कस कर लिया अपर एंड लोअर बाउंड क्या होते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने कर लिया, तो इधर से मैंने सुप्रीमम के ऊपर बात करनी है, एस का सुप्रीमम। सुप्रीमम हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो ये देखें इधर बस 2 ही ऐसा नज़र आ रहा है जो इस इन सारे एलिमेंट से ग्रेटर है। मसलन अगर हम ये लिखें स्मॉल एस लेस देन इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंग करेंगे कैपिटल एस को, तो ये देखें ये जो 2 है इस तमाम एलिमेंट से लेस देन ग्रेटर देन है ना, तो इधर से हम यार ठीक है सही। तो ये हमारा ये 2 है एस के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो लीस्ट अपर बाउंड है किसका, इस सेट का। तो ये 2 इसका क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया। तो सिमिलरली हम फाइंड कर इसी तरह ही फाइंड करेंगे किसका, सॉरी इन्फीमम को फाइंड करेंगे, किसके, एस के इन्फीमम को फाइंड करेंगे। तो मेरे पास से ये जो 0.5 वैल्यू है ना, ये मैंने एक्सपेंड किया काफ़ी टर्म को, तो ये 0.5 सबसे छोटा एलिमेंट है इस सीरीज का। तो ये 0.5 से क्या होगा, 0.5 लेस देन इज इक्वल टू एस होगा, स्मॉल एस है, स्मॉल एस बिलोंग करेगा कैपिटल एस को। तो ये कंडीशन हमारे पास बाउंडेड बिलो की आ गई, तो इससे जो छोटे हैं वो इसके फर्दर लोअर बाउंड होंगे ना, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब है ये इसका क्या है, इन्फीमम है। तो ये तो हमने एग्जांपल से इन्फीमम और सुप्रीमम को देखा है। अभी हम इसकी 2 डेफिनेशन है सुप्रीमम और इन्फीमम की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे सुप्रीमम और इन्फीमम की। थैंक यू।